विच आर द फॉलोइंग रॉड्स, बहुत सारे रॉड है, चार रॉड है हमारे पास, ठीक है, इच हर एक का लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो कहता है मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर कंडक्ट मोस्ट हीट, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट किस में होगा यार, ठीक है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट एच इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एल, या स्टडी स्टेट में के ए थीटा वन माइनस थीटा टू टेम्परेचर डिफरेंस और एल। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज, अब एरिया दिया है तो इसको एरिया के टर्म, रेडियस के टर्म में ले लिया, ये एरिया पाई आर स्क्वायर टेम्परेचर डिफरेंस थीटा वन थीटा टू अपॉन एल, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ ट्रांसफर हीट इधर प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर अपॉन एल, क्लियर है, ये समझ में आ गया ना यार, ठीक है। यहाँ दो, अगर एक रॉड है उसके एंड का टेम्परेचर थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, ये थीटा वन पे है और ये थीटा टू पे है, तो ये हॉट हो गया है, कोल्ड हो गया, इधर से इधर जाएगी हीट, वापस नहीं आएगी ये, ठीक है। एक बार अब इसमें रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट किस में मैक्सिमम होगा, ये जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसके लिए रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एच मैक्सिमम होगा डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये किस में मैक्सिमम है, चारों को चेक करो, तो चेक करो पहले वाले के, चेक करो पहले का वैल्यू आर है, आर नॉट है और आर नॉट का स्क्वायर और दूसरे का एल नॉट का स्क्वायर, एल नॉट, ठीक है, चलो पहला वाला चेक हो गया। दूसरे वाले के लिए चेक करो, इसका स्क्वायर इसका हो गया फोर आर नॉट का स्क्वायर अपॉन एल। तीसरे वाले के लिए चेक करो, इसका इसका आ जाएगा आर नॉट अपॉन टू एल नॉट, ठीक है। चौथे वाले का चेक करो, ये तो ये दोनों से दोनों कट गया, आर नॉट अपॉन एल नॉट। मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट सबसे ज्यादा किस में होगा भैया, बी में, इसमें, दैट इज द बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये जो रॉड है जिसकी रेडियस, ठीक है, लेंथ एल नॉट है और रेडियस बड़ा है, टू टाइम्स है, तो वो सबसे तेज हीट ट्रांसफर करेगा, अगर ये सारी कंडीशन सेम है सभी के लिए तो।